बीए पार्ट फर्स्ट, प्रथम प्रश्न पत्र, वाल्मीकि रचित रामायण 71 से 89 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टीडवान। वाल्मीकि रचित रामायण के प्रथम सर्ग का 71वां पद्य। दिशा प्रस्थाप्यामास्त दीदृक्षु जनकात्मजाम ततोग्रिदस्य वचनात् सपाते हनुमावली। उनको सीता जी को खोजने के लिए चारों ओर भेजा। तब संपाति नामक ग्रिद के बतलाने पर महाबली हनुमान उनको सीता जी को खोजने के लिए चारों ओर भेजा। तब संपाति नामक ग्रिद के बतलाने पर महाबली हनुमान शत योजन विस्तीर्णम युप्लुवे लवनान्वम तत्र लंकाम समासाध्य पुरीम रावण पालिताम। शत योजन विस्तीर्णम 100 योजन चौड़े, लवनान्वम खारे समुद्र को, युप्लुवे लांग कर रावण पालिताम, रावण पालित लंकाम लंकापुरी में समासाध्य पहुंचे। 100 योजन चौड़े खारे समुद्र को लांग रावण पालित लंकापुरी में पहुंचे। उनको सीता जी को खोजने के लिए चारों ओर भेजा। तब संपाति नामक ग्रिद के बतलाने पर महाबली हनुमान 100 योजन चौड़े खारे समुद्र को लांग रावण पालित लंकापुरी में पहुंचे। हनुमान जी लंकापुरी में पहुंचे। ददर सीताम ध्यायन्तीम अशोक वनिकाम गताम निवेदयित्वा अभिज्ञानम प्रवर्तिम च निवेद्य च। अशोक वनिकाम, अशोक वन में ध्यायन्तीम श्री रामचंद्र जी के ध्यान में मगन सीताम ददर्श, सीता जी को देखा। अशोक वन में श्री रामचंद्र जी के ध्यान में मग्न सीता जी को देखा। फिर अभिज्ञानम निवेदित्वा, फिर रामचंद्र जी की दीवी अंगूठी सीता जी को कह दी और श्री रामचंद्र जी का सब हाल कहा। अभिज्ञानम अंगूठी पहचान का चिन्ह अर्थात अंगूठी सीता जी को दे दी और श्री रामचंद्र जी का सब हाल कहा। अशोक वन में श्री रामचंद्र जी के ध्यान में मग्न सीता जी को देखा। फिर श्री रामचंद्र जी की दीवी अंगूठी सीता जी को दे दी और श्री रामचंद्र जी का सब हाल कहा। समाश्वास्य च वैदेहीं मर्द्यामास तोरणम पंच सेनाग्र गहन हत्वा सप्त मंत्री सुतानपि। क्षमा स्वास्य च वैदेहीं, सीता जी को धीरज बंधाया, सीता जी को धीरज बंधाया। फिर अशोक वाटिका के बाहर वाले फाटक को तोड़ डाला तथा रावण के 5 सेनापतियों को, 7 मंत्री पुत्रों को, शूरम अक्षम च निष्पीष्य गृहणम समुपागमत अस्रेन उन्मुक्त आत्मानम ज्ञात्वा पैताम महात्वरा। और शूरवीर रावण पुत्र अक्षय कुमार को पीस कर अर्थात मारकर आत्मसमर्पण किया। श्री हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मास्त्र से मुक्त जानकर भी और शूरवीर रावण पुत्र अक्षय कुमार को पीस कर अर्थात मारकर आत्मसमर्पण किया।
हनुमान जी ने ब्रह्मा जी के वरदान से अपने को ब्रह्मास्त्र से मुक्त जानकर भी मर्शियन राक्षसान वीरो यंत्रिण तान यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीम लंकामृते सीताम च मैथिलीम। राक्षसों की इच्छानुसार अपने को बंधवाया और उनके सब अनादर से फिर श्री सीता जी के स्थान को छोड़ समस्त लंका भस्म कर ततो दग्ध्वा पुरीम लंकाम रीते सीताम च मैथिलीम। सीता जी के स्थान को छोड़कर समस्त लंका को भस्म कर राक्षसों की इच्छानुसार अपने को बंधवाया और उनके सब अनादर सहे फिर सीता जी के स्थान को छोड़ समस्त लंका भस्म कर। रामाय प्रियम आख्यातुम पुनरायन मां कपि सो अभिगम्य मात्मानम कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्। रामाय प्रियम आख्यातुम पुनरायान महाकपि सो अभिगम्य मात्मानम कृत्वा रामं प्रदक्षिणम्। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी को ये सुखदायी संवाद सुनाने के लिए पुनः लौट आए। श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा कर अपरिमित धैर्य और बलवान हनुमान जी ने निवेद्यत में आत्मा दृष्टा सीतेति तत्वत तथा सुग्रीव सहितो गत्वा तिरम महोदते। सीता जी के देखने का ज्यों का त्यों समस्त वृत्तांत उनसे कहा तब सुग्रीव आदि को साथ ले श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर पहुंचे। 76वां पद्य मर्शियन राक्षसान वीरो यंत्रिणा तान यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीम लंकाम रीते सीताम च मैथिलीम। राक्षसों की इच्छानुसार हनुमान जी ने अपने को बंधवाया और उनके सब अनादर सहे फिर सीता जी के स्थान को छोड़ समस्त लंका भस्म कर। रामाय प्रियम आख्यातुम पुनरायन महाकपि सो अभिगम्य मात्मानम कृत्वा रामम प्रदक्षिणम। हनुमान जी श्री राम जी को ये सुखदायी संवाद सुनाने के लिए लौट आए। श्री रामचंद्र जी की परिक्रमा कर अपरिमित धैर्य और बलवान हनुमान जी ने निवेद्यत मे आत्मा दृष्टा सीतेति तत्वतः तथा सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम मोदते। सीता जी के देखने का ज्यों का त्यों समस्त वृत्तांत उनसे कहा तब सुग्रीव आदि को साथ ले श्री रामचंद्र जी समुद्र के तट पर पहुंचे। समुद्रम शोभया मास शरई आदित्य समनिधि दर्श्यामास च आत्मानम समुद्र सरिताम पति। और आदित्य समनिभई और सूर्य के समान चमचमाते अर्थात पहने शरई बाणों से समुद्रम शोभयामास समुद्र को शुद्ध कर डाला। तब नदीपति समुद्र सरिताम पति नदियों के पति समुद्र सामने आया। आत्मानम दर्श्यामास तब नदीपति समुद्र सामने आया उन्होंने अपने आप को दिखाया अर्थात अपने आप का दर्श अपने आप को दिखाया अर्थात प्रदर्शित किया सामने आया। तब नदीपति समुद्र सामने आया और सूर्य के समान चमचमाते अर्थात पहने बाण से समुद्र को
शुद्ध कर डाला, तब नदीपति समुद्र सामने आया। अस्सीवां पद्य। समुद्र वचनाच नलम सेतुम अवकारयत तेन गत्वा पुरीम लंकाम हत्वा रावणम आहवे। और उसके कथनानुसार नल ने समुद्र का पुल बांधा, उस पुल पर होकर श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचे और रावण का युद्ध में वध कर। समुद्र वचनाच एव, और समुद्र के कथनानुसार, वचन के अनुसार, कथन के अनुसार नल ने सेतुम अकार्यत पुल बांधा, तेन गत्वा उस पुल पर होकर लंकापुरीम गत्वा श्री रामचंद्र जी लंका पहुंचे, रावणम आहवे, और युद्ध में रावण को मार करके, रावण का वध करके। रामा सीताम अनुप्राप्य पराम वीणाम उपागमत तामुवा ततो राम परुषम जन संसदी। सीताम अनुप्राप्य, सीता जी को प्राप्त करके, पराम वीणाम उपागमत, वे बहुत संकोच में पड़ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने जन संसदी सबके सामने परुषम ताम उवाच सीता जी से कठोर वचन कहे। सीता जी को प्राप्त करके वे बहुत संकोच में पड़ गए और रामचंद्र जी ने सबके सामने सीता जी से कठोर वचन कहे। अमृत्य माना सा सीता विवेश ज्वलनम सती ततो अग्नि वचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कल्मषाम। कठोर वचनों को न सहन करके सीता जी ने जलती हुई आग में प्रवेश किया। ततो अग्नि वचनात्, तब अग्निदेव की साक्षी से सीता को विगत कल्मषाम निष्पाप मानकर बभौ राम संप्रिष्ट पूजित सर्वदेवतै कर्मणा तेन महतो त्रैलोक्यम सचराचरम। सर्वदेवी देवतै पूजित, सब देवताओं से पूजित श्री रामचंद्र जी संप्रिष्ट प्रसन्न हुए। तेन महतो कर्मणा, श्री रामचंद्र जी के इस कार्य से, रावण वध से तीनों लोकों चर अचर सदेव ऋषि गणम तुष्टम राघवस्य मात्मना अभिषिच्य च लंकायाम राक्षसेन्द्रम विभीषणम। देव और ऋषि संतुष्ट हुए। तदनंतर राक्षस राज विभीषण लंका के राज सिंहासन पर बैठा। सब देवताओं से पूजित श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। श्री रामचंद्र जी के इस कार्य से, रावण वध के इस कार्य से तीनों लोकों चर अचर देव और ऋषि संतुष्ट हुए। तदनंतर राक्षस राज विभीषण लंका के राज सिंहासन पर बैठा। कृत कृत्य तदा रामो विज्वर प्रमुमोध देवता भ्यो वरम प्राप्य समुद्पाद्य च वानरान। कृत कृत्य तदा रामो, श्री रामचंद्र जी कृतात हुए, विजरा संताप से छूटे, प्रमुमोध हर्षित हुए। देवता भ्यो वरम प्राप्य, देवताओं से वर प्राप्त कर, समुद्पाद्य च वानरान, और मित्र वानरों को फिर से जीवित कर दिया। श्री रामचंद्र जी कृतार्थ हुए, संताप से छूटे और हर्षित हुए, देवताओं से वर पा कर मृत वानरों को फिर से जीवित कर दिया। अयोध्याम प्रस्थितो राम पुष्पकेन सो सुहृदयतः भरद्वाज आश्रमम गत्वा राम सत्य पराक्रमः। सुग्रीव विभीषण आदि सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या को रवाना हुए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच
सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने। अयोध्या प्रस्थित हो, अयोध्या से प्रस्थान करके पुष्पकेन पुष्पक विमान में बैठकर सुग्रीव विभीषण आदि सहित पुष्पक विमान में बैठकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या को रवाना हुए। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी ने भरतस्यांतिकम रामो हनुमंतम व्यसर्जत पुनराख्यायिकाम जलपन सुग्रीव सहित तदा हनुमान जी को भरत के पास भेजा। फिर सुग्रीव से अपना पूर्व वृतांत कहते हुए भरतस्यांतिकम रामो हनुमंतम व्यसर्जत पुनराख्यायिकाम जलपन सुग्रीव सहित तदा हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा। फिर सुग्रीव से अपना पूर्व वृतांत कहते हुए पुष्पकम तत्समारुह्य नंदीग्रामम ययो तदा नंदीग्रामे जटाम हित्वा भातृभिः सहितो अंगः। पुष्पकम समारुह्य श्री रामचंद्र जी पे पुष्पक पर सवार हो नंदीग्रामम ययो नंदीग्राम में पहुंचे। अच्छी तरह पिता की आज्ञा का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी भाइयों भातृ भी भाइयों सहित जटाम हित्वा जटा विसर्जन कर अर्थात बड़े बड़े बालों को कटवा राम सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनर अवाप्तवान प्ररिष्ट मुदितो लोक तुष्ट पुष्ट सुधार्मिक। सीता को प्राप्त कर अयोध्या की राजगद्दी पर विराजे श्री रामचंद्र जी के राज सिंहासन आसीन होने पर सब प्रजाजन आनंदित संतुष्ट और पुष्ट तथा सुधार्मिक हो गए। सीता मनुप्राप्य सीता जी को प्राप्त कर श्री रामचंद्र जी राज्यम पुनरवाप्तवान अयोध्या की राजगति पर विराजे श्री रामचंद्र जी के राज सिंहासन पर आसीन होने पर सब प्रजाजन प्रसन्न संतुष्ट पुष्ट और सुधार्मिक हो गए।